हम लोगों ने ईएमएफ इंड्यूस करने के अलग अलग मेथड पढ़े हैं। ये जो ईएमएफ इंड्यूस करने के मेथड हैं, ये इस पर डिपेंड करते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था। फ्लक्स का फॉर्मूला था टी ए कॉस थीटा। तो अगर हमको ई बनाना है अगर हम ईएमएफ रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमने फ्लक्स को चेंज करना है। अगर फ्लक्स को चेंज करना है तो किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, भले हम बी को चेंज करें, ए को चेंज करें या थीटा को चेंज करें। इसमें हम दो एग्जांपल पढ़ चुके हैं। एक, ये अगर हमारे पास एक कॉइल है और हम ये मैग्नेट को इधर लेकर आते हैं तो पहले ये फ्लक्स जो इससे टच हो रहा है वो कम होगा, और जब ये इसके नजदीक आ जाएगा तो टच होने वाला फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। क्या चीज चेंज की हमने? बी। दूसरा, हमने पढ़ा था कि ये रेल में हमने एक ये स्लाइडर लगाया है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और इसको वी वेलोसिटी से हम इधर मूव करते हैं। जब इसको वी वेलोसिटी से इधर मूव करते हैं तो ये एरिया इंक्रीज होता है जिसमें कि फ्लक्स है। फ्लक्स वाला एरिया इंक्रीज हुआ, उसके कारण इस ए के अक्रॉस ईएमएफ बनता है। ये ईएमएफ बनने का जो तरीका है इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं? ये दो एग्जांपल हमने देखे। आज हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे, क्या चेंज करेंगे? थीटा। थीटा किस तरह से चेंज करेंगे? हमने एक कॉइल ली और वो कॉइल ऐसी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एरिया वेक्टर कुछ ना कुछ डायरेक्शन बनाता होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर। अब अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो आप देखिए अभी एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है? जीरो। और जब ये घूमेगा तो ये एंगल चेंज हो रहा है। तो थीटा का चेंज होना इसका मतलब है इस कॉइल का घूमना। तो घूमने से हम किसको चेंज कर सकते हैं? थीटा को। और अगर हम थीटा को चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा? प्लस। इस तरह से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से थीटा को चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज आज हम स्टडी करेंगे एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। एसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन। क्या होता है एसी जनरेटर? एसी जनरेटर इज ए मशीन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसी जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड लाइक एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हाउ डू वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो आंसर इज विद हेल्प ऑफ टू क्वांटिटीज। वन इज ईएमएफ विच हेल्प्स करेंट टू फ्लो। तो हमें ई एम एफ चाहिए और उससे करेंट को हम फ्लो कराएंगे एंड व्हाट वी विल गेट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एसी जनरेटर एक वो मशीन है जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, दैट मीन्स ई एम एफ देगा और करेंट देगा। ये जो ईएमएफ और करंट है ये एक स्पेशल टाइप का है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ? इट इज अ मशीन विच गिव्स अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हमको ये पता है कि एनर्जी कंजर्व होती है। कोई भी चीज अपने आप एनर्जी बना नहीं सकती, ये हमेशा ट्रांसफर होती है। तो ये मशीन भी कहीं ना कहीं से एनर्जी को ट्रांसफर करती होगी। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप सेकंड लाइन लिखेंगे, दिस मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
दिस मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, और क्लियर करना है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी हम इसको कैसी एनर्जी देंगे, रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी देंगे, ठीक है, और उसको ये कन्वर्ट किस में करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में मिलेगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, दिस इज वर्क डन और एनर्जी, तो ईएमएफ इज एनर्जी। ओके, उसके बाद ये मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, प्रिंसिपल अभी अभी हमने स्टडी किया, दिस मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। ओके, अब इसके नीचे ईएमआई को भी क्लियर कर दीजिए। व्हेन फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल, व्हेन फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल चेंज, व्हेन फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, EMF is induced across it. ठीक है, ये हमने इसका प्रिंसिपल नोट किया। हाँ, अब इसी के नीचे एक लाइन और लिखिए। This change of flux, this change of flux is done by, this change of flux is done by rotating. By rotating the coil, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि रोटेशन से फ्लक्स चेंज होता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम में इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, स्टेटर कॉइल्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकेंड, रोटर। That is rotating coil. And third is commutator. Commutator is slip ring and carbon brush. These are the three parts. अब इसमें एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते जाते हैं। स्टेटर कॉइल इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दिस इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये हमने इंडिकेशन दिया that this is a electromagnet. इसमें करंट फ्लो होती है और ये नॉर्थ साउथ इसके बीच में इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये स्टेटर कॉइल होती है। यहां से हमको ऐसा दिखता है, बेसिकली बहुत सारी कॉइल ऐसे कॉपर वायर को ऐसे लपेट देंगे और ये जो फेस बनेगा इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रहेगी एंड दिस विल बिहेव लाइक ए पोल ऑफ ए मैग्नेट दिस, एंड इसके सामने एक दूसरा पोल रहेगा। दोनों में करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट करेंगे कि जब इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर साउथ बनेगा, सेम डायरेक्शन, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तरह से यहां पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, बी
Okay. This is description of the stator coil, electromagnets. Second part is rotor. Electromagnet direct कैसे होते हैं? Natural जो ये कह रहे हैं कि हम इसमें नेचुरल मैग्नेट क्यों नहीं लेते? नेचुरल मैग्नेट जो हमको नेचर में मिलते हैं, जो बाजार में हमको मैग्नेट मिलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो नहीं होता है। ओके, तो बड़ा सिंपल आंसर है कि उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं मिलता जितना चाहिए। तो हमको जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो नेचुरल मैग्नेट से नहीं मिलता है, इसलिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन नेचुरल मैग्नेट से भी किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल होगा, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा वर्क डन नहीं होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रांग चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकंड, हम एक कॉइल बनाते हैं जिसे हम रोटेट कराएंगे। कॉइल कैसी होगी? आंसर है, कॉइल रेक्टेंगुलर होगी। ये इसका बॉर्डर आप देख रहे हैं, इस तरह की कॉइल होगी, रेक्टेंगल शेप की। इस रेक्टेंगल शेप की कॉइल को कहां बनाया जाता है? ये जो हम कॉइल बनाते हैं रेक्टेंगल, इसको एक लोहे के पीस पर, एक सॉफ्ट आयरन कोर पर, मेटलिक कोर के ऊपर लपेट कर बनाते हैं, फ्रेम लगा के उसमें इस तरह से बनाया जाता है। और अंदर में क्या रहेगा? एक राउंड शेप, ये इस तरह से एक सिलेंडर, और उसके ऊपर हमने एक कॉइल को लपेट दिया, ठीक है, उसके साइज का। तो कॉइल का बेसिक शेप कैसा है? रेक्टेंगल। लिपटा किस पर हुआ है? गोल्ड सिलेंडर पर लिपटा है, पर ये रेक्टेंगल होता है। ओके, इसके दो एंड्स होंगे, ये दोनों एंड्स यहां निकलेंगे। तो ये कॉइल हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ये यहां पर कॉइल को प्लेस कर दिया, और बहुत सारे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और लास्ट में हमने इसमें से ये इसका दो एंड निकाल दिए। ये कॉइल और इसके अंदर जो हमने रोटर बनाया है मेटल का, उसको हमने एक शाफ्ट में लगाया, शाफ्ट अलोंग द एक्सिस है। ओके, उससे मतलब कि उस शाफ्ट को पकड़ के हम ऐसे घुमा सकते हैं, वो शाफ्ट ये यहां पर है, ये एक लंबी शाफ्ट रहती है। इस शाफ्ट को बॉडी के साथ, फ्रेम के साथ, यहां पर हमने दो बुशेस करके यहां पर इसको दो बेरिंग लगा दी, यहां पर बेरिंग लगा दिया और यहां कहीं बेरिंग लगा दी। अगर इस तरह से दो जगह बेरिंग लगा दिए और बीच में शाफ्ट है, अब हमने क्या अरेंजमेंट बना लिया? इसके रोटेट होने का एक अरेंजमेंट बना लिया। अब इसको हम बड़े आराम से ऐसे घुमा सकते, अगर शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये कॉइल भी घूमेगा। इस कॉइल को घुमाने के लिए हमें शाफ्ट को पकड़कर घुमाना पड़ता है। जब हम शाफ्ट को घुमाते हैं तो हम इसको एनर्जी देते, वर्क डन करते हैं, एनर्जी देते हैं। यही जो शाफ्ट को घुमाने का काम है, ये अलग अलग मेथड से अलग अलग जगह पे हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल में ये मशीन लगी है, तो उसमें हम टायर के साथ में इस शाफ्ट का कनेक्शन कर देते हैं, जब टायर चलता है तो ये शाफ्ट भी घूमती है टायर की, उसकी पावर से, फ्रिक्शन से, कॉन्टेक्ट से। पावर हाउस जो हमारे थर्मल पावर हाउस होते हैं, उसमें हम इसके ऊपर एक टर्बाइन लगाते हैं, टर्बाइन का फैन। तो यहां पर एक टर्बाइन का फैन लगा रहता है, ये एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि इधर से स्टीम आती है और इधर स्टीम निकल जाएगी, इसको कंपल्सरली पंखे से होकर ही जाना पड़ता है, दूसरी जगह नहीं है जाने की।
अब अगर ये वहां से फ्लो करेगी बहुत स्पीड से, तो आपने देखा है हवा में चक्री चलाते हैं, हवा लगती है तो वो चक्री घूमती है क्योंकि उसके ब्लेड हमने ऐसे टर्न किए रहते हैं। इसी तरह से टर्बाइन के ब्लेड्स भी टर्न रहते हैं, जब स्टीम उस पर पड़ती है तो उसके फोर्स के कारण वो घूमने लगता है। तो स्टीम ने अपनी हीट एनर्जी टर्बाइन को दी और टर्बाइन ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैकेनिकल। मैकेनिकल जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल C+O2 किसमें कन्वर्ट होती है, हीट। वो हीट एनर्जी किसमें जाती है, वाटर में, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। वो हीट एनर्जी जब टर्बाइन में जाएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी जब इस कॉइल को घुमाकर ईएमएफ पैदा करेगी तो किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हम एक वो छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ये कौन से प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस सर, अभी जो आपने मेथड बताया उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहे हैं ना, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो सर हमने बेसिकली एसी कंडक्टर, एसी जनरेटर में ये पढ़ा कि हम मैग्नेटिक, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें तो सर जब जैसे ये फील्ड्स लगे हुए मैग्नेटिक फील्ड्स है जो, तो इसमें फिर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, राइट। इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमने जो फैराडेस लॉ पढ़े हैं, फैराडेस लॉ में ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे बनता है, मैग्नेट से। तो जब तक मैग्नेट नहीं होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक फ्लक्स नहीं होगा, जब तक फ्लक्स नहीं होगा तब तक ये ईएमएफ नहीं बनेगा। तो ईएमएफ के लिए फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स के लिए बी चाहिए, बी के लिए मैग्नेट चाहिए। ये रीजन है कि हमको मैग्नेट यूज करने ही है। ओके, तो इस तरह से हम इसको रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी से इसको रोटेट करते हैं। अब हम यहां पर आते हैं कि इसको जब हम रोटेट करेंगे, ये कॉइल है, अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, तो ये क्या चीज बन गई, रोटर। ये रोटर में एक कॉइल भी हम लगा सकते हैं और एक से ज्यादा कॉइल भी लगा सकते हैं। एक से ज्यादा कॉइल मतलब हमारे पास ये सिलेंडर है, यहां पर हमने ऐसे एक कॉइल सेट किया, देखिए ये ऐसा ऐसा और नीचे से ऐसा, एक कॉइल सेट हुआ ऊपर से ऐसा गया। दूसरा हमने कॉइल बनाया और इससे 120 डिग्री बनाते हुए उसको ऐसा सेट कर दिया, ये फिर ऐसा और फिर ऐसा। तो दूसरा कॉइल भी इसी रोटर में सेट हो गया, फिर 120 बना के एक तीसरा भी डाल दिया, तो 360 डिग्री हमारे पास टोटल टर्न है। 360 में 120 120 120, कितने बना दिए हमने, तीन। तो एक ही सेट में जब हम चलाएंगे तो हमारे तीन कॉइल घूमेंगे और तीनों हमको लाइन देंगे। इंडिया में यही सिस्टम और इसको हम कहते हैं थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। ओके, लेकिन प्रिंसिपल पढ़ने के लिए हम लोग सिर्फ एक कॉइल का पढ़ते हैं कि क्या होता है। ओके, तो ये कॉइल इसमें रोटेट होने वाली, सो दिस पार्ट जो रोटेट होता है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रोटर, रोटर एंड शाफ्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट है कम्यूटेटर। जब ये रोटर इसमें घूमेगा तो अभी अभी हमने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब एक रोटर घूमेगा तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंज होता जाएगा, चेंज होगा तो इसके दोनों एंड्स में ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ को हम अपने घर में चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, हम दो तार लगाएंगे, खंभा लगाएंगे, दो तार लगाएंगे पोल पे और पावर हाउस तक उसको ले जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों एंड हैं, जब ये ऐसे टर्न होती है तो ये इसके दोनों एंड्स भी नीचे टर्न होते हैं, ये ऐसे टर्न हो। अगर यहां से हमने दो तार निकाली और इसको ऐसे टर्न किया तो ये दोनों तार आपस में लिपट जाएंगे, ऐसे लिपटते जाएंगे और अल्टीमेटली टूट जाएंगे। इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है ये मोशन में, जब ये मोशन में आएगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन चलेंगे। उस चलते हुए इलेक्ट्रॉन को हम अपने घर लाना चाहते हैं, जिस तार से लाना चाहते वो तार स्टेशनरी है, पोल के ऊपर खड़ा है, वो नहीं चलता है। तो अब हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और ये दूसरा हमारे घर का सिस्टम जिसमें ये स्टेशनरी है, लोड लगा हुआ है और ये सिस्टम स्टेशनरी है। चलते हुए सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालकर इसमें लाना, ये एक समस्या थी। हमको भी दिख रहा है कि अगर हम इसकी तार इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे और इसको घुमा देंगे तो ये तो टूट जाएगा, घूम के टूट जाएगा, और करंट हमको चाहिए और ये पूरा पार्ट कैसा है, फिक्स है, ये नहीं हिल सकता। और इलेक्ट्रॉन वही जो इसमें चल रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को यहां आना है, उसी पावर को यहां आना है, यानी वो जो चार्जेज इसमें चल रहे हैं वो कम्यूट होंगे, कम्यूट मीन्स ट्रेवल करेंगे, वो कम्यूट होंगे रनिंग पोर्शन से स्टेशनरी पोर्शन में। इसके लिए हम एक बीच में छोटी सी डिवाइस लगाते हैं और उस डिवाइस का नाम क्या है, कम्यूटेटर, जो कि चार्जेस को कम्यूट होने में हेल्प करता है। तो हम चार्जेस को कम्यूट भी कर लेंगे और ये सिस्टम टूटेगा भी नहीं। उसका तरीका है इन प्रिंसिपल कि यहां पर हम दो रिंग लगाते हैं, इस रिंग की एक्सिस यही रहती है, वी कॉल इट स्लिप रिंग्स, ओके, क्यों कहते हैं अभी देखेंगे। ये एक रिंग है, ये शाफ्ट के साथ फिक्स है, और ये दूसरा रिंग, ये भी इस शाफ्ट के साथ फिक्स है। जब ये शाफ्ट घूमेंगे दोनों रिंग भी घूमेंगे। अब हमने क्या किया कि ये जो एक एंड आता है इस एक एंड को इस रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो दूसरा आता है इसको बिना टच किए इधर से अंदर से लाकर ये दूसरे के साथ टच कर, तो एक एंड यहां पर और दूसरा एंड यहां पर। तो अगर ईएमएफ जनरेट होगा दोनों के बीच में तो ये दोनों घूमते रहेंगे और इनके बीच में ईएमएफ जनरेट होगा, ओके। अब इसके साथ हम एक कार्बन का ब्रश लगाते हैं। कार्बन का ब्रश हम किसको बोलेंगे, एक बड़ा छोटा सा पीस कार्बन का, करीब इतना बड़ा, ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा प्योर कार्बन का एक ब्लॉक रहता है छोटा सा, और इस ब्लॉक को हम यहां रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो रिंग है इस रिंग के साथ ये ब्लॉक हमेशा ऐसा दबा रहे। तो इसको दबाने के लिए एक छोटी सी डिवाइस बना देते हैं, इसके ब्लॉक के पीछे स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग लगा के उसको हम यहां पर ये ब्लॉक को ऐसे लगा देते हैं और इसमें ये स्प्रिंग यहां पे हमने इसको रोक, तो ये स्प्रिंग इसको दबा के रखता है इसकी तरफ, और इस ब्लॉक में से हम एक कनेक्टिंग वायर ऐसे बाहर निकाल देते हैं, ये इधर जोड़ दी हमने सर्किट में। ठीक इसी तरह का एक और यहां पर कार्बन ब्लॉक लगाते हैं, कार्बन ब्रश, ये स्प्रिंग इसको इधर दबा के रखता है और इसमें से हम कनेक्टिंग वायर निकाल के इसके साथ जोड़ते हैं। ये वाला जो सिस्टम है, दिस इज कम्यूटेटर। क्यों, अब देखिए अगर ये ऐसा घूमेगा तो इसके ये वाला किनारा हमेशा इस ब्रश के साथ में टच रहेगा, ठीक है। ये ऐसा घूम रहा है और यहां पर ऐसा ब्रश है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूम रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन इसमें कम्यूट कर देता है, कॉइल से निकल के लाइन में आ जाता है।
वैसे ही इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये दोनों तार टूटते भी नहीं है, फिक्स है और इलेक्ट्रॉन भी इधर फ्लो हो रहे हैं. सो दिस डिवाइस इज नोन एज कम्यूटेटर. ठीक है, तो अभी हमने दो रिंग दिखाए हैं, अगर तीन क्वाइल होगी तो छह रिंग लगाएंगे. ठीक, दो क्वाइल होगी तो चार रिंग लगाएंगे, एक क्वाइल के लिए एक जोड़ी. तो यहां के पावर हाउसेस में अगर आप देखेंगे तो आपको सिक्स रिंग्स दिखेंगे बिकॉज वी जनरेट हियर इन थ्री फेज. ओके, तो इस तरह से ये बन गया कम्यूटेटर. ये दोनों स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश, ये इसके तीन पार्ट पूरे होते हैं. अब इस कार्बन ब्रश से जो कंडक्टर बाहर निकलता है दैट इज द वन विच विल गिव अस ईएमएफ, और उससे तार जोड़ के हम अपने घर पे ले आते हैं, अपनी इंडस्ट्री में ले आते हैं, जहां भी यूज करना हो वहां ले आते हैं. एंड दिस इज द लोड, घर का लोड, इंडस्ट्री का लोड, लाइटिंग का लोड जो भी है वहां पर लाकर हम इसको जोड़ देते हैं. सो दिस इज ऑल डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज वेरी बेसिक डिस्क्रिप्शन जिसकी हमको जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी को समझने में. और वैसे पार्ट्स तो इसमें लाखों पार्ट्स रहते हैं एक्चुअल पावर हाउस. यस, कार्बन रेजिस्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करती है उसको, जो कार्बन ब्रशेस है उसको रेजिस्ट नहीं करता जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको. नहीं, कार्बन इज अ गुड कंडक्टर. अच्छा, कार्बन रेजिस्टेंस ही तो बनाया जाता है सर. यस, कार्बन बाकी चीजों से, कार्बन की प्रॉपर्टीज हमने देखी, हीट होने का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है फ्रिक्शन के साथ. तो यहाँ पर लगातार फ्रिक्शन होगा और बहुत तेज फ्रिक्शन होगा, तो हम कार्बन की जगह कोई मेटल भी लगा सकते हैं. कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर, सिल्वर इज ए वेरी गुड कंडक्टर, पर उनको लगा के जैसे ही हम ऐसे कम्युनिकेटर को चलाएंगे, नहीं, एक तो स्पार्क होगा और ये कुछ मिनट लगेंगे, ये पूरा का पूरा घिस जाएगा. क्यों? हीट बहुत ज्यादा होगा, मेल्ट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है. तो कार्बन है जो उस हीट को बियर कर सकता है, कार्बन उस हीट को बियर भी कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकता है, दोनों काम करता है. इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कार्बन इज फाउंड टू बी बेस्ट. ओके, सो दिस इज डिस्क्रिप्शन. अब इसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं नंबर फोर एंड दैट इज वर्किंग डिस्क्रिप्शन. ओके, मैं लिखवा देता हूं, नोट करिए. नंबर वन, हाँ नोट करिए, स्टेटर कॉइल इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स kept opposite to each other, kept facing each other, so that a strong magnetic field is produced. Because magnetic field required is, because magnetic field required should be strong, we use electromagnets. Number two, rotating coil it is a rectangular coil wound on a soft iron core.
this soft iron core is this soft iron core can be rotated with help of a shaft along its axis okay, at one end this shaft is coupled with a power giving machine that is turbine. At the other end, the ends of the coil are connected to commutator. When the shaft rotates, the coil will also rotate. The coil will also rotate in the magnetic field. Then third, commutator. It is a small device which helps flow of charges, which helps in flow of charges from rotating coil to the fixed line. रोटेटिंग लाइन से फिक्स्ड लाइन तक लाने का जो काम करता है दैट इज कम्यूटेटर. ओके, देखिए सॉफ्ट आयरन उसके मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर बहुत ज्यादा रखता है इस फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण. ओके, हाँ, नेक्स्ट लिखिए द कम्यूटेटर कंटेन a pair of slip rings to which ends of the coil are attached. There is a pair of carbon brush One carbon brush is pressed against one slip ring. With help of springs.
in this way they keep rubbing with the rings, and the shaft can and the charges can transfer from ring to the carbon brush. That is from moving coil to the fixed line. ठीक है? तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कंप्लीटेड. ये तीनों के डिस्क्रिप्शन हो गए. नेक्स्ट नोट करिए वर्किंग. ओके. नेक्स्ट जनरेटर की वर्किंग विद हेल्प ऑफ टर्बाइन वी रोटेट द कॉइल. व्हेन वी रोटेट द कॉइल द फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल चेंज. फिर से with help of turbine we rotate the coil. When the coil rotates, the flux linked to it change. And this change of flux, this change of flux induce, this change of flux induce EMF at the ends of the coil. This EMF, with help of commutators, is transferred to the fixed line. Okay. ये हमने इसको इंट्रोडक्शन दिया. अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए कैलकुलेशन. अगला पॉइंट कैलकुलेशन. The flux linked to the coil, ये कितना होता है? Flux linked to coil phi is equal to m b a cos theta. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है. लिखिए where n is number of turns. B, intensity of magnetic field. A, area of the coil. Theta, angle at any time. Or this theta is equal to omega t, where omega is angular frequency or angular velocity t time.
time when flux is measured. Okay. ये कॉइल घूम रही है, जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ है और वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने कितनी यहां पर मानी है, ओमेगा। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एंगल चेंज होता जाता है। तो ये कॉइल है, ये उसका एरिया वेक्टर है, ये यहां पर अभी इन दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच कितना एंगल है, जीरो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये ऐसा घूमेगा और हम देखते हैं ये एंगल बढ़ते जा रहा है और ये एंगल थीटा यहाँ पर ऐसे क्रिएट होता है थीटा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, किस स्पीड से बढ़ेगा, ओमेगा स्पीड से बढ़ेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू 3 डिग्री है तो एक एक सेकंड में ये कितना घूमता है, 3 डिग्री। 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे आया, 3 × 5 That is omega into t. तो एंगल हमेशा किससे लिया जाता है, omega into t. जैसे जैसे t चेंज होगा उसके साथ क्या चेंज होगा मुझे बताइए। t चेंज होने के साथ ये थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, omega t. t चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, a चेंज होगा कि b चेंज होगा कि n चेंज होगा या phi चेंज होगा, phi. इसमें देखिए एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, जब ये घूमेगा तो नंबर कम ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम ज्यादा नहीं होगी, एरिया भी कम ज्यादा नहीं होगी। तो कौन सी दो चीजें बदल रही हैं, ओमेगा भी नहीं बदलेगा, एक जैसी स्पीड से हम उसको घुमा रहे हैं तो ये भी नहीं बदलता है। कौन बदलेगा, टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे फ्लक्स कम या ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं ऐसे में पूरा फ्लक्स इसके साथ टच है, जब ये ऐसा हो गया इतना टाइम बीत गया तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। फिर इतना टाइम बीत गया तो फिर फ्लक्स टच हुआ, फिर ऐसा इतना टाइम बीत गया तो फिर से फ्लक्स जीरो। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, टाइम पे। फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ बिकॉज फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट flux with reference to time, okay? So ये हमने क्या निकाला, flux. Now flux is equal to n b a cos omega t. इसके बाद when coil rotate there is a change in the flux. The rate of change of flux, rate of change of flux, rate of change of flux कैसे निकालेंगे, तो आंसर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेफरेंस टू टाइम। E is equal to minus d phi by j. This is equal to minus d by dt of phi. Phi क्या है, n b a cos omega t. Okay, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके बताइए कितना आएगा। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे एंड दैट विल बी एन बी ए, एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट साइन ओमेगा टी पर विद रेफरेंस टू टी करना है, इसलिए ओमेगा टी को भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट विल बी ओमेगा। So this is equal to n b a omega sine omega t. This is EMF. This is equation number 1.
E is equal to MPA omega sin omega t. अब इसमें वेरिएबल कौन कौन है? टी और फाइव तो इसमें है, ओमेगा इज नॉट ए वेरिएबल, ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट, ई इज वेरिएबल. इसका ये मतलब है, देखिए ये जब ऐसे घूम रहा है एक सेकंड में 50 बार, दूसरे एक सेकंड में भी 50 बार, तीसरे एक सेकंड में भी 50 बार, तो ओमेगा कैसा है? कॉन्स्टेंट, सेम ओमेगा है, देयरफॉर ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि हर एक सेकंड में नंबर ऑफ राउंड्स बराबर होते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, सो ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट वेरिएबल. अब देखिए यहां पर है, उस समय ये हमको ईएमएफ दिखा रहा है जीरो, ये घुमा ईएमएफ आ गया 5, ईएमएफ 10, ईएमएफ 20, ईएमएफ 10, ईएमएफ 0. तो ये टाइम बीता 0 से 20, 20 से 0, फिर यहां से -20, -20 से फिर 0. तो कौन सी दो क्वांटिटीज बदल रही हैं? टाइम और ईएमएफ बिटवीन द टू. ये रहा टाइम और ये रहा ईएमएफ, बाकी सब चीजें क्या है? कॉन्स्टेंट. ठीक है, चूंकि टाइम वेरिएबल है इसलिए ओमेगा टी भी वेरिएबल हो गया बीटा, और इसके अनुसार साइन की वैल्यू बदल दी जाएगी. अब ये अगर ईएमएफ है तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना जाएगा? ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, उस समय कौन से इंस्टेंट पर ईएमएफ मैक्सिमम होगा और कितना होगा? देयरफॉर मैक्सिमम ईएमएफ विल बी व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, और ये जो मैक्सिमम ईएमएफ है इसका हमने नाम दिया ई नॉट. दिस इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट. ई नॉट की वैल्यू यहां से हमने रखी एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी कितना हो गया? 1 विद द मैक्सिमम वैल्यू. तो ये आ गया ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा. ओके, तो ये हमारा वेरिएबल इक्वेशन है. ये क्या चीज आ गई? मैक्सिमम ईएमएफ पीक वैल्यू. अब इसमें हम देखते हैं एन बी ए ओमेगा ई नॉट, ये रहा एन बी ए ओमेगा, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं इसकी पीक वैल्यू ई नॉट. देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम E is equal to E naught sine omega t. E is equal to E naught sine omega t. इसका ये मतलब है कि जब ये घूमेगा तो इसका E चेंज होगा और E naught के साथ एक फ्रैक्शन लगेगा. इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम से कम 0, क्योंकि साइन की वैल्यू कम से कम 0 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है? 1. तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1. अगर ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ई नॉट. तो ई की वैल्यू कभी ई नॉट हो जाएगी, कभी 0 हो जाएगी, कभी -1 के कारण -ई नॉट हो जाएगी. इस तरह से ये ई जो है हमेशा बदलता रहेगा. ई बदलेगा तो ई भी बदलता रहेगा. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर. दिस इज इक्वेशन ऑफ ईएमएफ. जनरेटेड बाय
एसी जनरेटर। ओके, तो देखिए जो पीक वैल्यू है ईएमएफ की, ये किस किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एरिया और ओमेगा। एक जनरेटर जो हमारे पास बनकर आता है, बाहर से मैन्युफैक्चर होकर आता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वहां से फैक्ट्री से डल कर आती है। बी, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो उसके डिजाइन से जो आनी है वही आएगी। एरिया वो भी फिक्स है, तो हम इसमें कोई बदली नहीं कर सकते। हाँ, हमारे हाथ में क्या है? ओमेगा, यानी हम उसको फास्ट चला सकते हैं या स्लो चला सकते हैं। तो अगर हम उसकी स्पीड ज्यादा कर देंगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड कम करेंगे तो ईएमएफ कम हो जाएगा। सो ओमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग ईएमएफ। ओमेगा मीन्स व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। व्हाट इज दैट? फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रखी रही है एसी जनरेटर्स की, दैट इज 50 साइकिल पर सेकंड, 50 राउंड्स पर सेकंड। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करिए, 3000 आरपीएम। तो इंडिया में जो जितने भी जनरेटर हैं सब 3000 आरपीएम पर चलते हैं, और इसलिए एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 50। तो हमारे घरों में जो एसी आती है उसमें 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उसके जनरेटर में कितने टर्न लेता है? 50 टर्न्स पर सेकंड। तो ये ओमेगा, ये लोड यहां पर जाता है। अगर ये लोड ज्यादा होता है तो यहां से ये स्लो होना शुरू हो जाता है। एनीवे, वो पावर इंजीनियरिंग है, उसको आप लोग पावर इंजीनियरिंग में जाके पढ़ेंगे इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पर ओमेगा से हम इसका ईएमएफ कंट्रोल करते हैं, और लोड को भी देखते रहते हैं कि अगर लोड कहीं ज्यादा होता है तो ये ओमेगा कम होना चाहिए, और हम इसको ऐसा सेट करके रखते हैं कि एक लिमिट से अगर ये कम हो तो पावर हाउस को बंद कर देते हैं ताकि बाकी चीजें डैमेज मत हो, तो उसको हम कहते हैं कि ट्रिप हो गया। तो लोड ज्यादा होने के कारण इसका ओमेगा कम हो जाता है, ओमेगा कम होने से वो ऑपरेट होते हैं उसके रिले और पावर हाउस बंद हो जाता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द लोड। एनीवे, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं इसके पावर हाउस से रिलेटेड, चूंकि हम लोग पावर हाउस के शहर में रहते हैं इसलिए ये स्टोरीज हम लोग सब सुनते रहे। जैसे अगर एक पावर हाउस बंद हो जाए और हमको उसको चालू करना है, तो पावर हाउस का जनरेटर स्टार्ट करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? ओके, स्टीम बन रही है, टर्बाइन चल रहा है, जनरेटर चालू करने के लिए आपको क्या चाहिए? हमको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है? ओके, मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ किससे बना रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा पावर हाउस बंद हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो हम मैग्नेटिक फील्ड बी नहीं बना सकते। अगर बी नहीं बना सकते तो हम ई भी नहीं बना सकते, क्योंकि E में d5 by dt, बिना B के phi नहीं बनेगा और बिना phi के d5 by dt नहीं बनेगा, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती अगर पावर हाउस बंद हो गया तो। इसलिए पावर हाउस को कभी भी बंद नहीं होने दिया जाता। अगर इधर से लोड ज्यादा पड़ता है, ओमेगा कम होने लगता है, तो लोड का स्विच ऑफ कर देते, यहां से मिले जो लाइन जा रही है उसको बंद कर देंगे, गुजरात जो लाइन जा रही है उसको बंद कर देंगे, ताकि हमारे पावर हाउस पे लोड कम आए लेकिन हमेशा चलता रहे।
लेकिन फिर भी कभी कभी अचानक उतनी जोर से कहीं पे जरूरत पड़ती है, वो बहुत विड्रॉल करते हैं तो स्लो होता है और स्लो होके ट्रिप हो जाता है, स्विच उसके ऑपरेट हो जाते हैं, बंद हो गया। एक पावर हाउस बंद होने से पूरा लोड दूसरे पे चला जाएगा, दूसरा बंद हो जाता है, फिर तीसरे पे चला जाएगा, तीसरा बंद हो जाएगा और सेकेंड्स के अंदर सारे पावर हाउस बंद हो जाते हैं, एक शहर के, फिर दूसरे शहर के, फिर तीसरे शहर के। पिछले साल ऐसे ही हुआ, 5 प्रदेशों में 5 स्टेट्स के सारे पावर हाउस बंद हो गए और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग उनके साथ कनेक्ट नहीं हुए, ठीक है, नेशनल ग्रिड में हम उनके साथ कनेक्ट नहीं थे। हमारी वेस्टर्न ग्रिड अलग पड़ती है, यूपी ग्रिड अलग पड़ती है, ये ईस्टर्न ग्रिड का, नॉर्दर्न ग्रिड का फेलियर था, यूपी इस तरह से फेल हो गया। ऐसी एक कंडीशन हमारे शहर में भी, कोरबा में भी आई हुई है, 2-3 साल पहले की बात है या शायद और पुरानी बात है। तो इस तरह से उस समय पावर हाउस बंद हुआ, एनटीपीसी का पावर हाउस भी बंद हुआ, सिपत का चालू नहीं हुआ था, लाइन से सारे पावर हाउस बंद हो गए एमपी के साथ, उस समय एमपी छत्तीसगढ़ एक ही था। तो जब ये सब पावर हाउस बंद हो गए 2000, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं पावर हाउस, दैट इज व्हाट आई मीन। तो सारे पावर हाउस बंद हो गए, अब जो भी उसमें सुधार था वो कर लिया गया, जहां पर प्रॉब्लम था उसको ठीक कर लिया गया। अब ये था कि भाई प्रॉब्लम ठीक हो गया, पावर हाउस चालू हो, तो चालू कैसे हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। तो पुराने जमाने में ये प्रॉब्लम जब हुआ करता था उस समय क्या करते थे, उस समय एक पावर हाउस ऐसा रखते थे जिसके पास डीजल का जनरेटर होता था, ऐसा चलाने वाला जो अभी आप टेंट हाउस में देखते हैं, बहुत बड़ा जनरेटर, और उस जनरेटर को चलाया जाता था, उस जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती थी उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, फिर उससे टर्बाइन चालू करके वहां से पावर हाउस बनता था, पावर बनती थी, वो पावर फिर दूसरे पावर हाउस में, उससे तीसरे, उससे चौथे, उससे पांचवे, और 20-30 जितने पावर हाउस थे सब चालू। पुराने जमाने में ऐसा एक डीजल जनरेटर सेट होता था और वो जनरेटर सेट ये सामने वाले 100 मेगावाट में रखा रहता था, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही था। तो जब भी एमपी के पावर हाउस सब लाइन से बंद होते थे तो इसको याद किया जाता था, यहां से स्टार्ट करते थे, ये पावर हाउस चलेगा, फिर यहाँ से दूसरा चलेगा 200 वाला, उससे विंध्याचल का चलेगा, उससे सारणी का चलेगा, इस तरह से आगे 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 जाके पूरे चलेगा। अभी ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो गया है क्योंकि अभी नेशनल ग्रिड में सब आपस में जुड़ गए। तो अभी जो 2-3 साल पहले पावर फेलियर हुआ था उसमें फिर हम लोगों ने यहाँ का एनटीपीसी भी बंद, सिपत का एनटीपीसी भी बंद, यहाँ का सीएसईबी बंद, ये सारे प्लांट बंद हो गए थे। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र की ग्रिड से जुड़े हुए थे तो वहां के एक पावर हाउस से फिर इलेक्ट्रिसिटी लेके मैग्नेटिक फील्ड बना के इसको चालू किया। तो इस तरह के काफी इंटरेस्टिंग केसेस होते रहते हैं। एनीवे, अगर आपको कभी मौका मिले किसी जीएम के ऑफिस में जाने का, सी के ऑफिस में जाने का, तो वहां जाकर आप देखेंगे मीटर लगे हुए रहते हैं और उस मीटर में जो चीज आपको दिखती है वो ये, That is this omega, क्योंकि ओमेगा से ये कंट्रोल होता है कि पावर कितनी ड्रॉ की जा रही है, उससे पता लगता है। अदरवाइज आपको मालूम है हम मिक्सी चलाते हैं, मिक्सी पर अगर लोड ज्यादा दे देंगे या अपनी वॉशिंग मशीन पे लोड ज्यादा दे देंगे तो स्लो हो जाती है, ठीक है, यही चीज पावर हाउस के साथ भी होती है। तो उससे पता लगता है कि अगर आरपीएम कम हो रहा है दैट मींस लोड ज्यादा है। और पूरे इंडिया में इंस्ट्रक्शन है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले जानते हैं, 48.5 या जो भी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं रखनी है, 49 या 49.5 जो भी, आई डोंट नो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जानते हैं, इससे उनका ईएमएफ कंट्रोल होता है, इससे पावर कंट्रोल होती है, इससे कम नहीं होगा। एनीवे, तो और ऐसी बहुत सारी चीजें आप पावर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, इसके बाद अभी हम लोग ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे, उसमें फिर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।
सो दिस इज अबाउट जनरेटर. अब इसमें हम लोगों ने अभी तक कर लिया है ये ईएमएफ, ये इसका फॉर्मूला E नॉट एम बी ए ओमेगा, इसकी वैल्यू रखी तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. अब हम लोग स्टडी करेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ईएमएफ में किस तरह के चेंजेस होते हैं, और इसको जरूर समझिए क्योंकि इसी पर आगे पूरा आपकी इंजीनियरिंग, आपकी क्लास 12 का एसी चैप्टर पूरा इस पर डिपेंड करता है. हम लोग स्टडी करेंगे वन साइकिल ऑफ ईएमएफ. ये साइकिल हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना जिस समय एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जीरो. ये ऐसा इस समय एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है? जीरो. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज दिस. तो इसे मैं यहां पर बनाता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है. अगर ये कॉइल है तो ये इसका एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना है? जीरो. ठीक है, अगर ये एंगल जीरो है, जीरो, तो E की वैल्यू कितनी आएगी? E इज इक्वल टू जीरो. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. सो एट स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन T इज इक्वल टू जीरो, E इज आल्सो इक्वल टू जीरो. ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ये जो यहां पर ऐसा था इस तरह से, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब ये ऐसा घूम गया. जब ये यहां से पूरा एक राउंड ऐसा घूमेगा तो उस टाइम को हम बोलेंगे वन कैपिटल टी, कैपिटल टी दैट इज टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन. ओके, तो यहां से चला और ऐसा हुआ. अगर ऐसा हुआ तो कितना टाइम बीत चुका है? आंसर है टी बाई फोर. ये टी बाई फोर, हाफ टी, उसके बाद थ्री बाई फोर टी एंड फिर से फुल टी. तो ये कितना बीता? टी बाई फोर. एंगल कितना बना? 90. तो ये हुआ टी बाई फोर. उस समय कॉइल की सिचुएशन कैसी होगी उसे देखिए. इसे मैं थोड़ा दूर दूर बना देता हूं तो आपको बनाने में क्लियर होगा. Now plane of the coil is along B,
the area vector is making 90 degree with vector b, अब e की वैल्यू बताइए। तो यहां पर हमने क्या रखा, 90 डिग्री पाई बाई टू, 90 डिग्री, सो दिस बिकम वन, सो e इज इक्वल टू e वन, e नॉट, दैट इज प्लस e नॉट। तो d बाई फोर पे e की वैल्यू हमको मिलती है e नॉट के बराबर, ये हमको दूसरा पॉइंट। उसके बाद फिर हमने रोटेट किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर हमने ऐसा किया, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, ये ए इधर आ गया 90 डिग्री, अब फिर ऐसा किया, अब ए कितना बनाता है 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है जीरो, सो एट पी बाई टू इसकी पोजीशन आई, ये बी है और ये कॉइल है और ए इधर आ चुका है, ए पहले इधर था, फिर ए पीछे गया, फिर ए इधर आ गया, टाइम कितना बीत गया टी बाई टू, इधर से ए पीछे आ गया और एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। उस समय इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो ई की वैल्यू भी क्या हो गई जीरो, और ई की वैल्यू जीरो, हाइट जीरो, टाइम टी बाई टू, ये वाला पॉइंट मिला, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप यहां पर टी बाई टू रखेंगे, टी बाई टू, तो ये कितना आया साइन फाइव, साइन 180 इज इक्वल टू जीरो, ओके ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद फिर ये घुमा, अगली वैल्यू हमको मिलती है 3 बाई 4 की, उस समय ये मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से कॉइल ऐसा आया और ये जो एरिया वेक्टर है अब सामने की तरफ आ गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, आंसर है 270 डिग्री। यहां पे 3 बाई 4 टी रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 बाई 2 टी, 3 बाई 2 पाई आता है, दैट इज 270 डिग्री। 270 डिग्री की साइन कितनी होती है, तो आंसर है दैट इज -1। अगर ये -1 होगा तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -E0। तो यहां पर हम देखते हैं वैल्यू, ये प्लस ई नॉट है, ये माइनस ई नॉट है, यहां माइनस ई नॉट ये वैल्यू आए। उसके बाद फिर और घूम रहा है, ये लगातार शाफ्ट से ऐसा घुमाया जा रहा है, ओके फिर ये ऐसा घूमा और घूम के फिर पीछे चला गया एंड ये इसका रोटेशन कंप्लीट हो गया, ए जो इधर था सामने घूम के फिर इधर चला गया, ये हो गया ए और ये है बी, अब इनके बीच का एंगल फिर कितना आ गया जीरो, तो ई की वैल्यू फिर कितनी हो गई जीरो, ये 1 2 3 4 5 ये पांच पॉइंट हमको मिले। अब हमने इन पांचों पॉइंट्स को जोड़ना, तो हमको ग्राफ मिल जाएगा किसका, ई का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन वन साइकिल, एक ही साइकिल को हमने स्टडी किया है, ओके अब इसमें देखिए इसको इससे जोड़ना है, तो मुझे इसे ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है या ऐसे जोड़ना है, 1 2 3 ये आपको कैसे पता, मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने ये साइनोसाइडल कर्व, ओके ठीक है, बड़ी छोटी सी चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सुनिए ध्यान से, यहां पर 0 डिग्री है टी बाई टू और टी, यहां आते आते कितना घूम गया ये 360, यहां पर 180, यहां पर 90, 0 to 90, अगर हम एंगल को 0 to 90 चेंज करें
तो ओमेगा टी 0, 30, 60, 90 हमने तीन हिस्से कर दिए 30, 30, 30 90 तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। ओके, इनकी साइन बताइए। साइन ओमेगा टी 0.5, 0.85 एंड दिस इज 1.0। ओके, अब खास चीज जो समझने की है, साइन की वैल्यू ऐसे चेंज होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 का हाफ कितना हुआ? 0.5 तक ये राइज हो जाती है। टोटल कितना होना है? 1.5 तक राइज हो गई। कितना घूमने से? जबकि टोटल कितना घूमना है? 9। सो 0 टू 30 घूमने में ही ये कितनी राइज हो गई? 0.5। इन दोनों के बीच 0.5। अगला 30 जब ये घूमेगी 30 टू 60 तो ये कितना राइज करेगी? 0.35। फिर उससे अगला 30 जब ये घूमेगी 60 टू 90 तो कितना राइज करेगी? 0.15। तो कॉइल जो घूमती है वो तो बराबर बराबर टाइम लेगी, एक जैसी स्पीड से घूमती है तो 30 डिग्री, दूसरा 30, तीसरा 30, उसने बराबर बराबर टाइम लिया। लेकिन साइन ओमेगा टी पहले 30 में कितना चढ़ जाती है? 0.5, दूसरे में सिर्फ 0.35, तीसरे में 0.15। और ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां हमने तीन हिस्से कर दिए 0 टू 90 के, 30, 60, 90। 30 डिग्री पहुंचने में ही ये कहां पहुंच गई? हाफ वैल्यू ए यहां, ये वाला पॉइंट किसमें मिल गया हमको? 30 डिग्री में। इसकी हाइट कितनी है? हाफ ई नॉट 0.5 ई नॉट। अगले 30 डिग्री में सिर्फ कितना बढ़ेगी? 0.35। और अगले 30 में कितना बढ़ेगी? सिर्फ 0.15। पहले 0.5, फिर यहां से 0.35, फिर यहां से 0.15। ये बात समझ में आई? अब चूंकि ये तीनों स्टेप अलग अलग हैं, अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे ये, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन आएगी? नहीं आएगी। पहले ज्यादा चढ़ेगा, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, ये वाला कर्व है। तो कर्व की ऐसी शेप क्यों आ गई? बिकॉज दिस इज ए ग्राफ बिटवीन साइन एंड द एंगल, समझ आया? और ये उसकी स्पेशलिटी है। और इस ग्राफ जैसे यहां बढ़ा, अब ये यहां से इधर आएगा तो भी इसी कैरेक्टरिस्टिक से आएगा ऐसा, फिर यहां से यहां जाएगा सेम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, और यहां से इस तरह से इसका कर्व बना। ये जो कर्व है, दिस इज नाइदर ए सर्कल नॉर ए पैराबोला, ठीक है? ये अलग ही कर्व है, और ये कर्व चूंकि साइन के फंक्शन से बना है, वी कॉल इट ए साइनोसाइडल कर्व। ये साइनोसाइडल कर्व हर जगह आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो फिजिक्स में, नेचर में जितनी भी चीजें बदलती हैं, उनमें वेरिएशन होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वेरिएशन सब साइनोसाइडल कर्व के बेसिस पर ही होते रहते हैं। एनीवे, ये हमने पढ़ा ईएमएफ चेंज होता है ड्यूरिंग वन साइकिल, चेंज ऑफ ईएमएफ ड्यूरिंग वन साइकिल। ये टाइम को हमने लिखा 0 T/4 T/2 T, ये हमने क्या लिखा? एंगल। इस एंगल को पाई में कन्वर्ट करिए, रेडियन में। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 pi, दिस इज 3/2 pi एंड दिस इज pi/2। ये जो एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन, दिस इज नोन एज फेज। फेज
जो ऊपर दिख रहा है वो क्या चीज है? फेज। नीचे जो दिख रहा है ये क्या चीज है? टाइम। तो आपको क्या सीक्वेंस याद रखनी है? When the time is t by 4, what is the phase? Pi by 2. How much is the E? Plus E naught. What is the situation of coil? The plane of coil is along B. Area vector makes 90 degree. जो phase है, phase का मतलब क्या है? Angle between area vector and B. ये sequence 1, 2, 3, 4. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इस स्पॉट पे, इस स्पॉट पर, इस स्पॉट पे और इस स्पॉट। तो अगर हम आपसे पूछेंगे व्हेन द फेस इज 3/2 पाई देन हाउ मच इज द ईएमएफ? माइनस ई नॉट, ठीक है? उस समय टाइम कितना होता है? यस, समझ आया? इस तरह से ये चीजें आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। अब आगे देखिए, ये जो ईएमएफ एक साइकिल में चेंज होता है, ये इसकी पीक वैल्यू है ई नॉट। एक बार पॉजिटिव पीक वैल्यू और एक बार नेगेटिव पीक वैल्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? एक बार इधर प्लस और इधर माइनस, दूसरी बार इधर प्लस और इधर माइनस। ये इसमें होता है इसके ऐसे घूमने के कारण। देखिए, ये जब घूमेगा ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसको हमने ऐसे घुमाया। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ये ऐसे आए ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर। जब ये ऊपर आएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी? तो हमने राइट हैंड रूल लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये इधर आएगा फोर्स। फोर्स मतलब जिधर हमने इसको पुश किया, हमने इसको इधर पुश किया तो ये हमने इधर रखा, तो ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट किधर फ्लो हुई? इधर। तो जो चीज, जो वायर ऐसे जा रहा है उसमें करंट किधर जाएगी? ऊपर। और ये किधर जा रहा है? पीछे। अगर ये पीछे जा रहा है तो हमने फोर्स को पीछे किया, इसकी करंट कहां जा रही है? नीचे। तो यहां करंट जाती है ऊपर और यहां करंट जाती है नीचे, ऐसा हो। लेकिन आधे साइकिल के बाद ये किधर जाएगा? ऊपर और ये नीचे। तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? चेंज हो गई, उल्टी हो गई। किस तरह से? एक बार करंट ऐसे फ्लो होगी आधे साइकिल में, और आधे साइकिल में ऐसे फ्लो। एक बार इधर प्लस और माइनस बनेगा, दूसरी बार इसमें प्लस और इसमें माइनस बनेगा। जिसमें प्लस बनेगा उसमें माइनस, और जिसमें माइनस है उसमें प्लस। सो यही चीज आपको यहां दिखती है, आधे टाइम तक एक तरफ प्लस, बाकी आधे टाइम तक माइनस। उसी एक प्रश्न, अच्छा अब इसके कारण हमने एसी की एक डेफिनेशन बनाई। एसी की डेफिनेशन क्या है? कि ये वाला इंस्टेंट और ये वाला इंस्टेंट, इन दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई इस टाइम के और इस टाइम पे। इस टाइम पे वैल्यू फिर चेंज हो गई। आपको कोई भी दो पॉइंट ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें वैल्यू एक समान, हर जगह वैल्यू चेंज हो रही है कंटिन्यूअस। तो ये एसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल चेंज कंटिन्यूअस। दूसरा, एक पर्टिकुलर टाइम है, कितना टाइम? टी बाई टू। उसकी डायरेक्शन कैसी रहती है? पॉजिटिव। फिर उतने टाइम तक कैसी रहती है? नेगेटिव। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तो नोट करिए, एसी ईएमएफ, एसी ईएमएफ एंड करंट चेंज कंटिन्यूअसली, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड
एंड रिवर्स इन डायरेक्शन एंड रिवर्स इन डायरेक्शन पीरियोडिकली, रिवर्स इन डायरेक्शन पीरियोडिकली। ये इस तरह से एसी इसमें बनेगी। अब एक छोटी सी चीज लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो रह गई है, दो मिनट और लगेगा। अल्टरनेटिंग करंट जब सप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हमने देखा है, जब हम बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक लाइन बनाकर एक तरफ ड्रिफ्ट होते जाते हैं, ड्रिफ्ट होते रहते हैं, वैसे उसमें जो भी रहता है लेकिन एक तरफ ड्रिफ्ट होते रहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में ये चीज नहीं होती है। इसमें जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक बार चार्जेस इधर दबते हैं तो यहां के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, लेकिन तब तक ये ऊपर आ जाएगा और फिर नीचे जाएगा तो क्या होगा, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आफ्टर ऑल इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आंसर है कभी नहीं जाएंगे। तो फिर करंट कैसे बनती है, ये चीज जरा ध्यान से समझिए। पूरे सर्किट में ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर में यहां पर हर जगह इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कंटिन्यूअस। ये जब जनरेटर ऐसे घूमता है तो जब आधा साइकिल लगाता है इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करता है, बाकी आधे में इधर पुश करता है। जैसे हमने एक पेंडुलम लगाया, एक झूला लगाया, एक बार ऐसे पुश किया, एक बार ऐसे पुश किया, फिर ऐसे पुश किया, फिर ऐसे पुश किया, तो वो कैसे क्या करता है, कौन सा मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब हम लगाते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, अपनी अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं और चार्जेस फ्लो नहीं करते, सिर्फ अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं। अगर ये ऑसिलेट करते हैं और फ्लो नहीं करते हैं तो हम इसको करंट क्यों कहते हैं, तो आंसर है कि हमने करंट की डेफिनेशन क्या बनाई है, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज क्रॉस करता है तो वो करंट है। एक पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और यहां पर हमने अपना क्रॉस सेक्शन बनाया और पेंडुलम ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, तो इस क्रॉस सेक्शन को इसने पार किया, तो ये चार्ज ने इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे पार किया, करंट बन गया, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, ए मूविंग चार्ज में करंट, भले वो ऑसिलेट करने के लिए मूव करे, भले वो सर्कल में जाने के लिए मूव करे या लगातार स्ट्रेट लाइन में मूव करे, चार्ज मूव्स मींस करंट। अब यहां पे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे ऑसिलेट करते हैं, जैसे ही ये ऊपर आता है यहां से लेके ये कोरबा से लेके ये गुजरात यहां तक के ये पूरे इलेक्ट्रॉन सब के सब एक साथ ऐसे करते हैं, और जैसे ही ये नीचे जाता है सब के सब एक साथ ऐसे करते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट करते हैं और एक सेकंड में 50 बार, क्योंकि ये चलता है उस स्पीड से, एक सेकंड में 50 साइकिल, तो ये 50 साइकिल से ऐसे चलेंगे। अब हम इसको ऑसिलेशन की बजाय वाइब्रेशन भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी फास्ट। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट करते रहे, सिर्फ इस तरह से, कोई ऐसे करंट बनकर नहीं चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं। और ऑसिलेशन में हमको मालूम है यहां जाके स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, सेंटर पे फिर मैक्सिमम, लास्ट में जाके फिर जीरो। ठीक उसी तरह से ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट करते रहे, दिस इज एसी, करंट कहीं जाती आती नहीं है। कौन आता जाता है, तो आंसर है एनर्जी, आंसर है डिस्टरबेंस, आंसर है इंपल्स। ये जैसे ही ऊपर आता है ये एक धक्का मारता है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं पैडल रखते हैं, पैडल हमने रखा ऐसा पूरा घुमाएंगे साइकिल आगे चलेगी,
अब हमने स्टाइल बदल दी, एक बच्चे को बोला साइकिल चलाओ, उसका पैर पूरा नहीं घूमता है, वो पैडल पे पैर रखता है, इतना सा चलाता है 20 डिग्री, फिर पीछे करता है, फिर 20 डिग्री, फिर पीछे करता है, फिर 20 डिग्री। साइकिल चलती है कि नहीं चलती है? एनर्जी मिली ना उसको, ये वैसे कर सब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते अपनी जगह पे, अपनी ही मेन पोजिशन, लेकिन करंट की डेफिनेशन को पूरा करता है। साथ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है वो हीटिंग इफेक्ट भी हमको देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी देता है और हमको एनर्जी भी देता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एसी का नेचर होता है। नोट करिए, इन अल्टरनेटिंग करंट All the electrons in the circuit make simple harmonic motion about their mean position, that is present position. They do not keep drifting in any direction. But only vibrate. Full stop. But this vibration is good enough to give all the effects of electric current, like heating effect and magnetic effect, and in the form of EMF, it gives energy. ठीक है, सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, आज हम लोग यही सब करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।